दा भी आईपीटीवी, सच आपके सामने। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, वर्ल्ड कप की शुरुआत हो चुकी है और कल वर्ल्ड कप का पहला मैच इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका के बीच खेला गया, जिसमें मेजबान इंग्लैंड ने साउथ अफ्रीका को रन डाला और साउथ अफ्रीका जैसे मजबूत टीम को 101 रनों से हरा दिया। लेकिन दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि भारतीय टीम को अपने पहले मैच से पहले तीन बड़ी खुशी मिली है। तो दोस्तों, जानेंगे ये तीन बड़ी खुशी क्या है। लेकिन दोस्तों, उससे पहले अगर आप चाहते हैं कि भारत इस बार वर्ल्ड कप जीते तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें, और अगर आप भी क्रिकेट से जुड़ी हर खबर पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो दोस्तों, समय न गंवाते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, वर्ल्ड कप तो शुरू हो चुका है, लेकिन भारतीय टीम अपना शुरुआत 5 जून को करेगी। इससे पहले भारतीय टीम ने दो अभ्यास मैच खेले। आपको बता दें, पहले अभ्यास मैच में भारतीय टीम को न्यूजीलैंड से हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन दूसरे अभ्यास मैच में टीम इंडिया ने शानदार वापसी करते हुए बांग्लादेश को रन डाला था, और इसी मैच से भारत को दो खुशी मिली। पहली खुशी ये है कि आपको बता दें कि महेंद्र सिंह धोनी अपने पुराने अवतार में वापस आ गए हैं। जी हाँ, MS धोनी अपने IPL वाले फॉर्म में आ चुके हैं, क्योंकि धोनी ने बांग्लादेश के खिलाफ मात्र 78 गेंदों में 113 रनों की धमाकेदार पारी खेली थी। दोस्तों, महेंद्र सिंह धोनी क्रिकेट की दुनिया में नाम ही काफी है, क्योंकि इनके नाम से ही विरोध गेंदबाज डरने लगते हैं। दोस्तों, आपको बता दें, महेंद्र सिंह धोनी एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो अकेले ही मैच को जिताने का मद्दा रखते हैं, और इनका फॉर्म में आना भारतीय टीम और विराट के लिए सबसे बड़ी खुशी की बात है। और दोस्तों, आपको बता दें, दूसरी बड़ी खुशी है नंबर 4 की बल्लेबाज का टेंशन खत्म। जी हाँ, ये तो हम सभी जानते हैं कि भारतीय टीम काफी समय से 4 नंबर पर बैटिंग करने के लिए एक अच्छे बल्लेबाज की तलाश कर रही थी, और इस नंबर पर टीम ने कई खिलाड़ियों को आजमाया था, लेकिन कोई भी खिलाड़ी टीम की उम्मीदों पर खरा नहीं उतर रहा था, जो भारतीय टीम के लिए बहुत बड़ी चिंता का विषय था। लेकिन वर्ल्ड कप के ठीक पहले भारतीय टीम की सबसे बड़ी परेशानी भी खत्म हो चुकी है। जी हाँ, बांग्लादेश के खिलाफ धोनी ने तो कहर बरपाया ही है, और उनके साथ ही एक और बल्लेबाज ने भी जबरदस्त बैटिंग की है, और वो बल्लेबाज हैं KL राहुल। जी हाँ दोस्तों, ये KL राहुल ने बांग्लादेश के खिलाफ 4 नंबर पर बैटिंग करते हुए 108 रनों की बेहतरीन पारी खेलकर भारतीय टीम की 4 नंबर की परेशानी को दूर कर दिया। अब KL राहुल वर्ल्ड कप में 4 नंबर पर बैटिंग करते हुए नजर आएंगे। और तीसरी खुशी कल के मैच में भारत को मिली है। आपको बता दें, कल वर्ल्ड कप का पहला मैच इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका के बीच खेला गया, जिसमें इंग्लैंड ने साउथ अफ्रीका को 101 रनों की बड़ी अंतर से हरा दिया। आपको बता दें, इस मैच में साउथ अफ्रीका हर डिपार्ट में कमजोर नजर आई। अपनी गेंदबाजी के लिए पहचाने जाने वाली साउथ अफ्रीका के गेंदबाज काफी कमजोर दिखे, और इंग्लैंड के बल्लेबाजों ने जमकर धोया। और आपको बता दें, भारतीय टीम अपना पहला मैच साउथ अफ्रीका के खिलाफ ही खेलेगी, और पहले मैच साउथ अफ्रीका के प्रदर्शन को देखकर तो ऐसा ही लगता है कि भारतीय टीम को इसे हराने में ज्यादा दिक्कत नहीं आएगा, क्योंकि 101 रनों की बड़ी हार से साउथ अफ्रीका का मनोबल भी काफी टूट चुका होगा। तो दोस्तों, भारतीय टीम के लिए ये तीन बड़ी खुशखबरी थी जिसे हमने आपके साथ शेयर की। दोस्तों, वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक जरूर करें। धन्यवाद।